ये तो जैसा लग रहा था बनारस की गलियों में कहीं भटक गया हूँ मैं, ऐसे पतली पतली गलियाँ बनारस की तरह। इसे क्या बोलते हैं? मून चाय। मून चाय। ऐसी जगह आके बहुत ही गर्व की फीलिंग आती है। पीक सीजन में यार इनके पास काम ही नहीं होगा तो फिर क्या ही करेंगे ये। दिलिक बोलता है हम लोग। क्या? ताशी दिलिक। ताशी दिलिक। हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? सांप की तरह रास्ता जाएगा, आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। और अभी मैं हूँ लेह के एक अचीना गेस्ट हाउस में। सामने जो दिख रहा है यही मेरा रूम है। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, इधर पूरा विंडो दिया हुआ है धूप उगाने के लिए। ये बेड है, इससे भी सारा सामान फैला है। यहाँ पे मेरा सारा सामान है, वहाँ पे सारा चीज़ें चार्ज हो रही है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है, अच्छा हीटर दिया हुआ है अगर ठंड लगे तो। ठीक है, मौसम अच्छा है, धूप है लेकिन ठंड भी है। मतलब आप शाम को आपको एक हाफ स्वेटर या एक पुलोवर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट कब से ला के रखा हुआ मेरा। ठीक है गाइस, तो फाइनली ब्रेकफास्ट सारा हो चुका है मेरा और टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज गए। अभी आज का प्लान ये है कि आज मैं निकलने वाला हूँ लेह को लोकल में जो जो जगह है वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो 3 जगह हैं बेसिकली, एक तो लेह पैलेस है, एक हॉल ऑफ फेम है और एक है सांपी स्तूपा। अब कुछ रख लिया तो टॉप बॉक्स लेके जा रहा हूँ और हेलमेट बस लगाना है, तो मिलते हैं सीधे बाइक पे। चलिए, तो आज मैं लेह घूमने वाला हूँ यार। एक सपना था कि लेह में घूमना है और आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो अभी मैं निकल गया हूँ हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। यहाँ पे मैं रुका, वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 5 मिनट दिखा रहे हैं हम हॉल ऑफ फेम पहुँच जाएंगे। बहुत खाली खाली सा लग रहा है यार लेह, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं टूरिस्ट, मैं अकेला टूरिस्ट आया हूँ, पता नहीं। झंडा ऊँचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो आई थिंक यही है हॉल ऑफ फेम जहाँ से एंट्री होगी। हॉल ऑफ फेम लिखा हुआ है, वाह मैन कितना खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत। यहाँ मैंने बाइक खड़ी कर दी है और ये पीछे है हमारे हॉल ऑफ फेम। और अभी मैं यहाँ से, ये पार्किंग है, पूरी पार्किंग एरिया है। इंडियन आर्मी एक्सीमैन के हिसाब से नीचे डाल रहे थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया, अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। इंडियन आर्मी को बटालिक के अंदर कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है, ध्यान से सुन लेना। बटालिक के अंदर मुंटू डालू लिखा हुआ है यहां पे 5068 ऊपर। एक चढ़वाहा था, भेड़ बकरी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था ताशी नमगल। क्या था? ताशी नमगल। आवाज नहीं आ रहा है? ताशी नमगल। ये जो है ताशी नमगल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए बटालिक बेस में आके सबसे पहले इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, अब लोग देख लेना बोल के। इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। यहाँ से भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया, पूरे का पूरा यहाँ पे शहीद हो गया। तो यहाँ पे उन सारे 547 जवानों के नाम है जो शहीद हुए थे इस पूरे कारगिल वॉर में। कैप्टन कालिया जिनको पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, मतलब बंदी बना लिया था, और फिर उनकी आंखें निकाली, नाखून निकाली, फिर उनके बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में भेजा। सोचो यार कितना दर्द हुआ होगा, फिर भी तो उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐसी जगह आके बहुत ही गर्व की फीलिंग आती है, लगता है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे मतलब ऐसे जवान हैं जो अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं। भारत माता की जय। तो हमारे पीछे हॉल ऑफ फेम लेह का, ये बनाया गया था 1971 में, 1962 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में। अलावा आपको इसके अंदर लद्दाख के हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा
और इसके अंदर लाइट शो भी होता है तो जो कि रात में स्टार्ट होता है, तो आप उसको रात में अगर आप रात में आ रहे हो तो देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है, अगर आप ले आ रहे हो ज़रूर आना, आपको पैट्रियाटिक फीलिंग ज़रूर आएगी बहुत ज़्यादा। और गाइड कर लेना, क्योंकि गाइड बहुत अच्छे से बताते हैं। मैंने तो गाइड नहीं किया था, बट दूसरे गाइड से तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। 250 रुपीज़ एंट्री फीस है, जो कि एक मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। अब भी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ले पैलेस के लिए, फिर वहाँ से सबसे लास्ट में लास्ट चलेंगे शांति स्तूपा, जहाँ सुना है कि सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। इस बार ले बहुत खाली खाली लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई है, इतना खाली, जबकि ये पीक सीज़न है ले का। पीक सीज़न में यार इनके पास काम ही नहीं होगा तो फिर क्या ही करेंगे ये। रियल पैलेस, वाह अच्छा होटल है। डोगरा ढाबा, इस ढाबा में इतनी भीड़, ऐसा कहा है बे। तो वो रहा ले पैलेस ऊपर, अब ऊपर कैसे जाएंगे? ये पार्किंग है, ये ऊपर, अच्छा ना ऊपर जाना, सिमो सिमो के बाद दर्शन के बाद फिर बाइक को लेके उसी रास्ते से पैलेस के लिए रास्ता नीचे। गूगल मैप तो कुछ और बता रहा है, मॉन्क ने बताया, बोले लॉकडाउन स्कूल आएगा और लॉकडाउन स्कूल से ऐसे 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 सांप की तरह रास्ता जाएगा, आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। ओके तो लैमडोन स्कूल तो आ गया, वाह रूट फॉलो कर लिया है गूगल ने, या वो गधो पापा गधे को गधा नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ। वाह ब्यूटीफुल मैन, कितना ही खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। हॉर्न दे, दे दिया हॉर्न। ले पैलेस जाना है, वो किधर है? दुकान वाला सोचता पड़ेगा, घर को दाया आदमी हम लोग बाहर क्या किए। अच्छा तो बना दिया क्या मॉन्क ने, मुझे कहीं और भेज दिया अंकल जुले। वो ले पैलेस के लिए आगे फिर राइट। बाप रे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, लग तो नहीं रहा कहीं पार्किंग मिलेगी। फाइनली ये है ले पैलेस, यहाँ से व्यू है पूरा ले सिटी का, ले पैलेस है। अंदर क्या देखने को मिलेगा? मैं अंदर से होकर आ गया, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर कोई वीडियोस नहीं है। तो ले पैलेस बेसिकली सैमगी नामग्याल ने बनवाया था, जो लोअर लद्दाख के जो राजा थे उनको हरा कर पूरा लद्दाख को रीयूनाइट किया था। अभी मैं निकल रहा हूँ ले पैलेस से, लोग मुझसे ज़्यादा मेरे बाइक को देख रहे हैं। अभी मैं चल रहा हूँ शांति स्तूपा, जो कि आज का मेरा लास्ट है, बाकी थिक से मॉन्स्ट्री है और स्कूल है तो वो मैं कवर नहीं करूँगा। आगे रास्ता नहीं है, शिट कहीं से तो रास्ता निकलेगा। जुले शांति स्तूपा जाने के लिए इधर से, ये जैसा लग रहा था बनारस की गलियों में कहीं भटक गया हूँ मैं, ऐसी पतली पतली गलियाँ बनारस की तरह। फाइनली बाहर आ गया, भूख लग रही है यार, कुछ खाने को नहीं है, देखते हैं शांति स्तूपा में कुछ मिल जाता है खाने को। तो सुबह खाली ब्रेकफास्ट किया है और बीच में एक वो चॉकलेट खाया था, दैट्स इट। ये है यहाँ के मार्केट, बढ़िया बढ़िया। तो वापस आधा टाइम देखेंगे, कहीं बाइक वाइक खड़ी करेंगे, कुछ ख़रीदा जाएगा। तो रहा शांति स्तूपा और यहाँ से आई थिंक एंट्री है, और यहाँ से पूरा नीचे लद्दाख का व्यू दिख, लेह का व्यू दिखता है, ये पूरा लेह सिटी ब्यूटीफुल। शांति स्तूपा के हिस्ट्री लिखी है कि सब बिल्ट बाय द जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु गैम्बो नकोरमा इन 1991। ये पीछे है हमारे शांति स्तूपा।
तो भाई ड्रोन शॉट नहीं ले सकते हैं, तो कोई नहीं छोड़ दिया मैंने। तो बस यही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने होटल गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हूँ, असीना गेस्ट हाउस। फिर उसके बाद निकलेंगे, थोड़ा लोकल ले मार्केट जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, कुछ खाया नहीं है मैंने कब से। पहले होटल चलते हैं, कॉफ़ी मारते हैं, एक चाय कॉफ़ी, और फिर पैदल आएंगे वहाँ से। वो देखो, वो दिख रहा है पूरा, हाँ मतलब वेस्ट से बनाया है एक, मतलब काइंड ऑफ रोबोट आयरन मैन। हाँ मस्त लग रहा है ना। और ये चिल्ड्रंस पार्क है छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, बढ़िया है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस, और अभी मैं निकल रहा हूँ ले मार्केट, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो बाइक ही खड़ी कर दी है, और अभी बस यहाँ से निकल रहा है। ये लड़का मस्त स्केटिंग कर रहा है। Yeah. Okay. I'm a photographer too. So you're from? California. कैलिफोर्निया के एक अंकल मिले थे, उनको पेट्रोल चाहिए था, बता दिया कहाँ मिलेगा गूगल मैप पे सर्च करके। उनको बताने के चक्कर में मैं ये बोल गया कि मुझे मैप सर्च करना है अपना जाने का। ट्राई कर लो, ये तो नॉर्मल चाय है, ये अच्छी नहीं है। ये कर नहीं, यहाँ की फेमस चाय यही है। इसको क्या बोलते हैं? मून चाय। मून चाय इतना तो नहीं चाहिए था आपने, इतना क्यों दिया? पी लो। कितना हुआ? 20। बनारस यूपी में, यूपी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू चाय के लिए। और यहाँ से पूरा जो दिख रहा है दूर तक, ये सारा ले मार्केट है। ये जो है जामिया मस्जिद है ले लद्दाख के। ओके, मस्जिद ऐसे नया डिज़ाइन लग रहा है, पूरा वुडन आर्किटेक्चर। एक ये चैन है मेरे ने लिया है, एक ये मैग्नेट। आप कल मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मैं आपसे आ जाओगे, फिर आपको लोग आपके शॉप से खरीदने आएंगे। दिलिक बोलता है हम लोग। क्या? ताशी दिलिक। ताशी दिलिक, हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? लद्दाख, लद्दाख की का नाम लद्दाख की बोलता है जिले, टिबेटन है ताशी दिलिक। तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ ले मार्केट से, और कुछ शॉपिंग किया थोड़ा थोड़ा, और कैंपिंग के लिए भी कुछ शॉपिंग किया, कुछ खाने वाने का सामान लिया, और साथ में खाना भी मिल गया मुझे। मतलब वापस आते ही मैंने अंकल से बोला था अंकल मेरे लिए खाना, तो अंकल बस दो मिनट पहले मैंने कॉल कर दिया था, जैसे ही एंटर किया अंकल बोले लो ये है तुम्हारा खाना। मैंने कहा वाह, इधर ही फास्ट सर्विस ज़्यादा रेस्टोरेंट में नहीं होती है, आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, थैंक यू अंकल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो खाने में है दाल, ये यहाँ की कोई लोकल सब्ज़ी है अंकल ने बताया, रोटी और कुछ राइस है। तो ये अंकल के घर पर बनता है, अंकल ने भी खाया और मुझे भी दे दिया। ठीक है, आई लाइक इट। तो पहले हाथ में धुलते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। तो फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ, सांसें चढ़ी पता नहीं क्यों। दिल दूर से थक थक कर रहा है। सब ठीक है ना? हाँ, तो सारा पैक करना है, और कल सुबह मुझे निकलना है नुब्रा वैली के लिए, हरदुंगला, फिर खालसार, फिर हुंडर, ये सारी जगह कल हम कवर करेंगे। बने रहना वीडियो में, देखते रहना, ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो यही था आज का दिन, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो कि आपके थॉट्स क्या, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, या आप मैं बकवास कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, या जो भी आपको नहीं लगा। तो बस इतना ही कहना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नमस्ते।